बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस, सब्जेक्ट कोड TC313। चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं हम। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड द टाइप्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारी की सारी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कंपेरिजन की इंस्ट्रक्शन थी, ये भी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसको हमने पढ़ा। आज हमने पढ़नी है मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। चार किस्म की अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के अंदर सिंपली टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, और 8086 के अंदर दो किस्म की मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली। एक 8 बिट मल्टीप्लीकेशन है और एक 16 बिट मल्टीप्लीकेशन है। 8 बिट और 16 बिट मल्टीप्लीकेशन किस तरह से डिफर करती है इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। 8 बिट मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो 8 बिट के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, अब डिवीजन, अब जो हमारे पास हमने जो पहले पढ़ी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उससे ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इसलिए मुख्तलिफ है थोड़ी सी, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए अगर, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो उनके रजिस्टर के जो स्पेसिफिक एरिया होता है, उसकी रजिस्टर की जो बिट्स होती हैं उसको एक्सीड कर जाता है। कैसे एक्सीड कर जाता है? मिसाल के तौर पर आप 10 प्लस 10 करें तो आंसर आपके पास 20 आएगा। अब 10 भी 8 बिट में स्टोर हो सकता है और 20 भी 8 बिट में स्टोर हो सकता है, लेकिन अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100। अब 10 तो 8 बिट में स्टोर हो सकता है, लेकिन 100 8 बिट में स्टोर नहीं हो सकता। दिस इज़ द रीज़न हमें रजिस्टर को एक्सपेंड करना पड़ता है हमेशा मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो इन दिस टाइप 2 8 बिट नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। ये 8 बिट मल्टीप्लीकेशन है, इस वजह से द आंसर विल बी स्टोर इन 16 बिट रजिस्टर। तो आंसर हम 16 बिट रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे, 8 बिट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो यूजली आपके पास आंसर जो होता है वो लार्जर होता है देन द जो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन MUL, इसका ऑपकोड MUL है, MULBL। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये सिंगल ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होती हैं। ये कहते हैं दो ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं होते, एक ऑपरेंड इनके साथ ऑटोमेटिकली अटैच कर दिया जाता है 8086 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी इंस्ट्रक्शन है कि जब भी MULBL, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी एल रजिस्टर, ये 8 बिट का एक रजिस्टर है, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या होगा, इसके बैक एंड के ऊपर प्रोसेस क्या होगा? BLAL के कंटेंट्स के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा। जो भी आप, चाहे आप BL CL DL कोई भी चीज़ यहाँ पर रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट्स AL के रजिस्टर्स के साथ, के कंटेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो AL और BL आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और आंसर कहाँ स्टोर होगा? AX के अंदर। जैसे कि हमने कहा कि आंसर विल बी स्टोर इन 16 बिट रजिस्टर, तो आंसर एक्सपेंड करता है चूँकि, तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा AX के अंदर। तो जब भी MULBL ये ऑपकोड आएगा तो क्या इसके बैकएंड के ऊपर होगा? BL ऑटोमेटिकली AL के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर AX में स्टोर होगा। अब IMUL क्या है? IMUL बेसिकली साइंड मल्टीप्लीकेशन है, और सिंपल MUL वो अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 क्रॉस 10 किया तो अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप माइनस 10 क्रॉस प्लस 10 करेंगे तो आंसर माइनस 100 आएगा। दिस इज साइंड मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इसका कि साइन मल्टीप्लीकेशन हो तो IMUL CL, अब CL के कंटेंट्स ऑटोमेटिकली AL के साथ मल्टीप्लाई होंगे, आंसर कहाँ स्टोर होगा? AX के अंदर। लेकिन ये AX साइंड नंबर शो कर रहा होगा, यहाँ पर AX अनसाइंड नंबर शो कर रहा है। तो AL ऑटोमेटिकली यूज विद द मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये थी 8 बिट की मल्टीप्लीकेशन। अगर हम देखें 16 बिट मल्टीप्लीकेशन को, उसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली 16 बिट के रजिस्टर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो हमेशा डबल के अंदर, यानी कि 32 बिट्स के अंदर स्टोर होगा। अब हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है किसी रजिस्टर की, वो क्या है? 16 बिट। अब 32 बिट में कैसे आंसर स्टोर होगा? उसके लिए फिर हम दो रजिस्टर्स को कंबाइन करके, दो रजिस्टर्स को ऐड करके 32 बिट का रजिस्टर बनाएंगे, क्योंकि 8086 के अंदर मैक्सिमम जो विड्थ है किसी भी रजिस्टर की वो 16 बिट है। तो 32 बनाने के लिए हमें दो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, MULCX,
अब 6x16 बिट रजिस्टर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स मल्टीप्लाई विद ए एक्स। आंसर क्या आएगा? आंसर जो भी आएगा उसको स्टोर करेगा हाफ ए एक्स के अंदर और हाफ बी एक्स के अंदर। तो अनसाइंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए एक्स प्लस डी एक्स। ए एक्स और डी एक्स दोनों मिल के इसका आंसर स्टोर करेंगे, जब भी यूज होगा इन दोनों से आंसर को फेच किया जाएगा। और अगर साइन नंबर हो हमारे पास, ये तो अनसाइंड के लिए था, अगर साइन नंबर हो तो आई मल इस्तेमाल होगा। तो आई मल डी आई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, तो ये 16 बिट ऑटोमेटिकली ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर ए एक्स डी आई के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन ये साइंड आंसर होगा, बस इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये जो आंसर होगा ये साइंड आंसर होगा। तो आपको, आप यहाँ पर जो भी रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे वो रजिस्टर हमेशा ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर स्टोर कहाँ होगा? ए एक्स एंड हेयर इट शुड बी डी एक्स। आंसर हमेशा ए एक्स और डी एक्स के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है, समझ आ गई। तो 16 बिट मल्टीप्लीकेशन और 8 बिट मल्टीप्लीकेशन, 8 बिट का आंसर हमेशा ए एक्स में स्टोर होगा और 16 बिट का आंसर हमेशा ए एक्स प्लस डी एक्स, ए एक्स प्लस डी एक्स में स्टोर होगा। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन के अंदर आपको पता है दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, और डिवीजन के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर 8086 के अंदर दो टाइप्स हैं, 8-bit डिवीजन है और 16-bit डिवीजन। अब 8-bit डिवीजन के अंदर क्या होगा, हम इसके ऊपर डायरेक्ट जाते हैं। दो नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा और आंसर को 16-bit रजिस्टर के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। ये भी सिंगल ऑपरेंड की इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जाम्पल डिव सी एल, अब सी एल डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड होगा? इसके बैक एंड के ऊपर प्रोसेस क्या होगा, ए एक्स 16 बिट का एक रजिस्टर के लिए मुख्तस होगा, उसके अंदर एक नंबर पड़ा होगा, उस नंबर से सी एल डिवाइड होगा, ठीक है, ए एक्स डिवाइड बाई सी एल होगा और आंसर ए एक्स में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब आंसर ए एक्स में स्टोर होगा तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी है। अब डिवीजन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन भी आया था और रिमाइंडर भी आया था, तो इसके दो पार्ट्स हैं ए एक्स के। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका जो आंसर होता है वो ए एल में चला जाएगा और जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ए एच के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनसाइंड डिवीजन, तो आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए एक्स। तो आपने 8 बिट डिवीजन की तो आंसर कहाँ स्टोर हुआ, ए एक्स 16 बिट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर आई डिव हो, अगर ये साइंड डिवीजन हो, आई डिव बी एल, तो ऑटोमेटिकली ए एक्स डिवाइड बाई बी एल हो जाएगा और आंसर ए एक्स में स्टोर होगा, जिसमें से ए एल में कोशेंट होगा और ए एच के अंदर रिमाइंडर होगा। तो इसके अंदर ए एक्स के अंदर इस वक्त साइंड डाटा स्टोर्ड है, जबकि यहाँ पर ए एक्स के अंदर अनसाइंड है। ये बात थी 8 बिट डिवीजन की। अगर हम 16 बिट डिवीजन को देखें तो सेम एज इट इज़, बस एक्सटेंशन हो जाएगी, एक रजिस्टर की जगह में दो रजिस्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने 16 बिट मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल किया। इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन टू नंबर्स आर डिवाइडेड, ओके, आंसर विल बी स्टोर्ड इन 32 बिट रजिस्टर। अगर आप डिव सी एक्स करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर देखें इसको, डिव सी एक्स करते हैं अगर आप, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ए एक्स और डी एक्स ये ऐड होंगे और ये सी एक्स से डिवाइड होंगे और आंसर कहाँ जाएगा, डी एक्स और ए एक्स के अंदर, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखा था कि ए एक्स और डी एक्स में ही आंसर जाता था, ऐसे ही डिवीजन के अंदर भी ए एक्स और डी एक्स के अंदर ही आंसर जा रहा है, लेकिन उधर मल्टीप्लिकेशन थी और इधर डिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पर जाएगा, ए एक्स में जाएगा और रिमाइंडर डी एक्स के अंदर जाएगा। और ये अनसाइंड डिवीजन की है मैंने अभी। अगर आपके पास साइंड डिवीजन हो तो फिर क्या होगा, अगर आई डिव बी एक्स, अब ये 16 बिट साइंड डिवीजन है, तो क्या होगा, बी एक्स ए एक्स और डी एक्स के कम्बिनेशन के ऊपर डिवाइड होगा और आंसर ए एक्स और डी एक्स में ही स्टोर होगा, ए एक्स के अंदर क्वेश्चन होगा और डी एक्स के अंदर रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो साइन डाटा विल बी स्टोर इन ए एक्स प्लस डी एक्स। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको आपके लिए ए एक्स प्लस डी एक्स कर देता हूँ, ताकि आपको वर्डिंग के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो दिस इज द डिवीजन प्रोसेस। होपफुली आपको 8 बिट और 16 बिट डिवीजन प्रॉपरली समझ आ गया होगा, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।